नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी वीडियो इधर काफ़ी लेट हो रही है, इसकी वजह ये है कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम रहता है क्लिनिक पे, तो मैं आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धी और अच्छी वीडियोज़ को नहीं ला पाता हूँ समय पे, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि आगे जितना ज़्यादा मुझे समय मिल सके, मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ को ला सकूँ। आज हम बात करने इस वीडियो में सोरियासिस के बारे में, सोरियासिस होता क्या है, इसकी वजह क्या होती है, लक्षण क्या होते हैं, जीवन में क्या बदलाव कर सकते हैं, इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होती है जो कि आप ले सकते हैं अगर आपको कोई मेडिसिन आपको नहीं समझ में आती है, डॉक्टर नहीं मिलता है। चलिए जानते हैं हम लोग सोरियासिस के बारे में जल्दी से, जिससे कि आप लोग ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए सोरियासिस क्या है, सोरियासिस एक तरीके का आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। मतलब क्या है, अगर वो कंडीशन जहाँ पे आपका जो शरीर होता है वो बैक्टीरिया वायरस को ना मारने की जगह पे उसे लगे कि उसका शरीर खुद का ही अपना दुश्मन है और खुद के शरीर के सेल्स को ही मारना शुरू कर दे, मोटा मोटा कि आपका शरीर खुद ही अपने सेल्स को मारना शुरू कर दे, तो उसे कहा जाता है आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं हम लोग। और ये कोई आपका संक्रमित रोग नहीं होता है, ये नहीं कि अगर एक से है तो दूसरे में फैलेगा, ये वो चीज़ नहीं होती है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था पिटलियों के बारे में, निकोडर्मा भी कहते हैं, वो भी आपके एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, उसका डिस्क्रिप्शन मैं दे दूंगा आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के एंड में, तो आप जाके जरूर देखें। और क्या है ये चीज़, देखिए जनरली क्या होता है, मैंने बताया कि आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है कि जहाँ पे जो शरीर के जो सेल्स होते हैं, बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है वो खुद के अपने सेल्स को मारना शुरू कर देता है, तो उससे उभरने के लिए क्या होगा कि आपका जो शरीर होगा वो और जल्दी जल्दी नए सेल्स को बनाना शुरू कर देगा। और ज्यादातर आपके त्वचा में होता है, आमतौर पर जो त्वचा के जो सेल्स होते हैं उनको बनने के लिए 28 दिन का समय लगता है पूरी तरीके से, लेकिन क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है यहाँ पे शरीर अपने सेल्स को खुद मार रहा होता है, तो उसी जगह पे शरीर क्या करेगा, जल्दी अपने सेल्स को वहां पर भरना शुरू करेगा, तो जो साइकिल होता है 28 दिन का ये रिड्यूस होकर के 3 से 5 दिन का हो जाता है। इस चक्कर में क्या होता है कि वहां पर ढेर सारे सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और वहां पे आपको रेडनेस और उठी हुई सतह मिलेगी आपको, और कुछ कंडीशन में आपको यहाँ पे सिल्वर रंग के सिर्फ चांदी रंग जैसी यहाँ पे आपको खाल देखने को मिलेगी, जो कि सोरियासिस ही काफी इंपॉर्टेंट लक्षण होता है, आप इससे पहचान सकते हैं कि वहाँ पे सोरियासिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये मोटी मोटी सोरियासिस ये होती है, और इसके हम जानेंगे इसके लक्षण के देख के आप जान सकते हैं कि आपको सोरियासिस तो नहीं हो रहा है। पहली चीज, क्योंकि यहाँ बहुत जल्दी सेल्स का फॉर्मेशन होगा परत परत, वहाँ पे क्या होगा, वो जगह होगी, वो आपकी उठ जाएगी, उठी उठी दिखेगी आपको, वहाँ पे रेडनेस होगी, वहाँ पे स्वेलिंग होगी, वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कुल्ली मचेगी, कुल्लाने के बाद वहाँ पे आपको जलन मचेगी, दर्द होगा वहाँ पे, और कुछ कंडीशन में क्या होगा कि वहाँ पे आपको सिल्वर या चांदी नुमा जैसे वहाँ पे स्केल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जब खुजलाएंगे तो वहाँ पे वो झड़ेगा आपका, ये चीज होती है आपको मिलेगी सोरायसिस में। कुछ केसेस में क्या होता है कि सोरायसिस के साथ वहाँ पे आपको आर्थराइटिस मतलब जोड़ों में दर्द भी मिलता है, ये भी इसके हम बात करेंगे आगे वीडियो में, ये किस टाइप की सोरायसिस होती है। अब हम जानेंगे इसकी मोटी मोटी वजह क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट वजह होती है आपकी, आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जहाँ पे शरीर अपने सेल्स को खुद मारना शुरू कर देता है, उसे लगता है कि शरीर के जो सेल्स हैं, हमारे डिफेंस को लगता है, इम्यूनिटी को लगता है कि हमारे शरीर के सेल जो है हमारे दुश्मन है, तो खुद को मारना शुरू कर देता है। इस चक्कर में क्या होता है कि शरीर उल्टा उस जगह पे और नए सेल्स का फॉर्मेशन करेगा जल्दी उस जगह को भरने के लिए, तो उस टाइम पे ये सोरियासिस कंडीशन बनती है। उसी कंडीशन होती है हार्मोन्स में, जब भी क्या होता है प्यूबर्टी टाइम पे, मेनोपॉज टाइम पे, या फिर जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, तो उस टाइम पे चांसेस होती है वहां पे सोरियासिस होने के। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, जो अल्कोहल पीते हैं, उन लोगों में भी देखा गया है, जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तनाव लेते हैं, तनाव भी इसका एक रीजन देखा गया है कि उस चक्कर में भी आपका सोरियासिस जो होता है वो ट्रिगर अप होता है। इसके अलावा जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, उन लोगों में भी सोरियासिस हो सकता है। इसके अलावा क्या है कि जो लोग ज्यादातर धूप में रहते हैं, ज्यादा धूप में रहते हैं, उन लोगों में भी सोरियासिस देखने को मिलता है। धूप में बैठना अच्छी चीज होती है कि भाई विटामिन डी मिलेगा, लेकिन ज्यादा बैठने पे ये सोरियासिस जैसी कंडीशन को भी ये ट्रिगर अप कर सकता है। ये होता है मोटा मोटा आपका सोरियासिस के बारे में कि इसके वजह क्या है, इसके टाइप्स क्या है। इसको कई टाइप से बांटा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है आपका यहाँ पे आपका प्लेक सोरियासिस, जो बहुत ही कॉमन देखी जाती है। इसमें होता है क्या है कि वहां पर जो एरिया होगा वहां पे आपकी चांदी जैसी या फिर सिल्वरी जैसी वहां पे आपको खाल देखने को मिलेगी, जब आप खुजलाएंगे तो क्या होगा वहां से वो खाल झड़ेगी, वहां बहुत ज्यादा खुजली होगी, वहां बहुत ज्यादा जलन मचेगी, ये इसकी एक इंपॉर्टेंट टाइप होती है। इसको हम लोग सोरियासिस वल्गरिस के नाम से भी जानते हैं। दूसरी में आपकी सोरियासिस होती है वो होती है आपकी नेल सोरियासिस। जब भी आपको सोरियासिस होगा तो बहुत चांसेस है कि वो आपके नाखूनों को भी नुकसान पहुंचाएगा, जो नाखून होंगे वो पतले हो जाएंगे, आसानी से टूट सकेंगे, वहां पे दर्द होगा, वहां पे आपकी जो इसका रंग होगा वो येलोइश हल्का से ब्राउन जैसा वो कन्वर्ट हो जाएगा,
ये चीज देखने मिलती है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा केसेस में देखने मिलता है कि जब भी सोरियासिस होता है तो उस टाइम पे वहां पे जोड़ों में भी दर्द होगा, वहां पे अर्थराइटिस जैसी कंडीशन आएगी कि जब इंसान सुबह उठेगा तो बहुत दर्द होगा, काफी देर जगह बैठ रहेगा तो उठने पर काफी ज्यादा दर्द होगा। ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं सोरियासिस अर्थराइटिस, जब आपको अर्थराइटिस सोरियासिस जब आपको एक साथ मिलता है। तीसरा होता है यहाँ पे जो आपको मिलता है वो होता है आपका इनवर्स सोरियासिस। जैसे कि आपके आर्म पे जहाँ पे दो खालों के बीच, दो स्किन के बीच का जो एरिया मार्जिन होता है, जैसे कि हमारे थाई के बीच का एरिया, हमारे जो जेनाइटल्स ऑर्गन्स हैं वहां के बीच का एरिया आर्मपिट बगलों में, यहाँ पे आपको रेडनेस जैसी दिखाई देगी। यहाँ पे सिल्वर रंग तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन रेडनेस होगी, वहां जलन मचेगी आपको, दर्द मचेगा आपको वहां पे, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। वहां पे जो खाल होगी वो काफी मोटी हो चुकी होगी, तो इसे कहा जाता है आपका इनवर्स सोरियासिस। इसके अलावा जो अगला होता है वो होता है आपका पस्टुलर सोरियासिस। नाम सब में आ रहा है कि यहाँ पे मवाद या पस पड़ेगा, ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं पस्टुलर सोरियासिस। जब भी मवाद पस पड़ेगा तो वहां पे आपको बुखार आएगा, ठंड लगेगी आपको, आपको खाने मन नहीं करेगा, शरीर में दर्द होगा, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ज्यादातर की जो आपका तलवे होते हैं, आपके जो हाथ होते हैं, उसको ये नुकसान ये पहुंचाता है, इसे कहा जाता है आपका पस्टुलर सोरियासिस। एक और होता है आपका गट्टेड सोरियासिस। मतलब क्या है कि शरीर में जगह 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 छोटे छोटे लाल रंग के वहां पे पैचेस का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि रेड रंग के होंगे, लाल रंग के होंगे या पिंकिश कलर की आपको वो देखने को मिलेंगे, पर ये बहुत कम केसेस में होता है, ज्यादातर ये पेट पे थाई में आपको देखने को ये मिलते हैं। तो ये तीन चीजें होती हैं मोटी मोटी आपकी जो इसके टाइप्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जीवन में क्या बदलाव करें जिसको करके हम इसको हम सही कर सकते हैं काफी हद तक अपने आप भी। पहले बताऊंगा क्या चीज आपको खाने को अवॉइड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको अल्कोहल नहीं पीना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है और ज्यादा ऐसे काम नहीं करना है इसमें आपको ज्यादा पसीना आए, क्योंकि पसीने आने से भी आपका सोरियासिस जो होता है दिक्कतें बढ़ती है। और इसके अलावा क्या करना है, पानी की मात्रा आपको बढ़ानी ही बढ़ानी है आपके यहाँ पे। इसके अलावा क्या है, धूप में मत जाइए, धूप से आप बचिए आप, ठीक है। और इतनी चीजें आप अवॉइड करेंगे, तनाव भी करेंगे, खुश रहेंगे, सबके साथ समय बताएंगे, हैप्पी रहेंगे, तो वो चीजें आपको सही करने का एक काम करेगी सोरियासिस को। खाने में क्या लेना है, जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती है वो सब खाएंगे, जो फल होते हैं फल खाइए आप, ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं आप, इतनी चीज आप खा सकते हैं। जो चीज आपको नहीं खानी है, जैसे आपको नमक नहीं खाना, मैं बताया था कि इसका एक रीजन होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिक्कतें बढ़ती है, तो नमक की क्वांटिटी कम करनी है, खट्टे जो फल है उसे कम खाना है आपको। इसके अलावा क्या है कि आपको गोभी नहीं खानी, उड़द की दाल नहीं खानी, ये दो चीजें जो होती है वो स्किन की दिक्कतों में मना किया जाता है कि नहीं खाना है आपको। इसके अलावा बाहर खाना नहीं खाएंगे, तला हुआ खाना आप लोग नहीं खाएंगे, जरा तीखा खाना आप लोग नहीं खाएंगे, इतनी चीजें आप लोग मोटी मोटी अवॉइड करेंगे। इसके अलावा जो रेड मीट होता है वो नहीं खाएंगे, फिश खा सकते हैं पर रेड मीट जो मटन चिकन वो सब आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो गर्म होते हैं, गर्म होंगे तो पसीना आएगा और आपकी दिक्कतें और बढ़ेंगी। अब बताऊंगा जो मेरी होम्योपैथी मेडिसिन जो कि मैं अपने क्लिनिक पे यूज करता हूँ ऐसे केसेस के लिए, कुछ चीजें मैं बताने जा रहा हूँ। एक जो आपको डॉक्टर ना मिले उसी कंडीशन में आप ये दवाई लेंगे आप, पहली होती है आपकी यहाँ पे आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है सोरियासिस के केस में। यहाँ पे जो होगी जो स्किन होगी वो सूखी होगी, वहां पे ज्यादा काफी ज्यादा मोटी परत का फॉर्मेशन हो जाएगा, स्केलिंग होगी वहां पे, जलन मचेगी, पर खासियत होगी उसको उस जलन में गर्माहट से ही आराम मिलेगी। इसके अलावा क्या है कि वहां पे वो काफी ज्यादा उनको बेचैनी रहेगी, एक जगह बैठ नहीं पाएंगे, रेस्टलेसनेस उनके देखने को मिलेगी, तो ऐसे लोगों को आर्सेनिक लेनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है सल्फर। यहाँ पे जलन होगी वो काफी काफी ज्यादा तेज होगी, पर इन लोगों को गर्माहट से नहीं, इन लोगों को आपको ठंडक से ही इनको आराम मिलेगी, और इन लोगों को धोने पे दिक्कतें बढ़ेंगी, जब उसको धोएंगे तो उनको वो दिक्कत और बढ़ेगी, तो गर्मी और धोने से इनको दिक्कत बढ़ेगी। इसके अलावा जो इन लोगों की स्किन होगी बहुत गंदी गंदी सिलाई देखने में आपको मिलेगी। इसके अलावा क्या है कि वहां पे लोगों को रेडनेस जो लालिमा होगी वो काफी काफी ज्यादा मिलेगी। वो लोग जिन्होंने काफी ज्यादा मेडिसिन का यूज किया है चीजों को सही करने के लिए, या काफी ज्यादा कॉस्मेटिक का यूज किया है उसके बाद कोई दिक्कत आई, तो वहां पे सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। तीसरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है आपकी सीपिया। सीपिया में खासियत क्या मिलेगी, जो लोग काफी ज्यादा इंडिफरेंट होते हैं, काम करना पसंद नहीं करते हैं, परिवार के साथ रहना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसके अलावा क्या होता है जिन लोगों के हार्मोन चेंज होने के समय पे, मतलब क्या मेनोपॉज पे, प्यूबर्टी पे या प्रेगनेंसी के टाइम पे दिक्कत आई है सोरियासिस की, तो लोगों में सीपिया बहुत अच्छा काम करती है, तो उन लोगों को सीपिया लेनी चाहिए। इसके अलावा जो मैं ये दिनों में से आप एक मेडिसिन छाट सकते हैं जिसके आप सबको सिम्टम आपको मैच करें,
साथ मैं कुछ मेडिसिन बताऊंगा जो आप इनके साथ लेंगे। एक होता है आपका इचिनेशिया का, मतलब इचिनेशिया इज वेरी गुड एंटी फंगल एंड एंटी वायरल चीज होती है, और ये उन चीजों को खत्म करने का ये काम करेगी, वहां पे इन्फेक्शन को सही करने का, बाकी चीज आपकी बॉडी हीलिंग करने का भी ये काम करेगी। तो इचिनेशिया मदर टिंचर को 10 बूंद थोड़े ग्लास पानी में दिन में 2-3 बार खाने के आधे घंटे बाद जरूर लें। साथ में आप कैलेंडुला का मदर टिंचर भी यूज कर सकते हैं, 10 बूंद थोड़े ग्लास पानी में दिन में 2-3 बार खाने के आधे घंटे बाद लें। साथ में आप यहाँ पे कैलकेरिया सेल्फ सक्सेस की 4 गोलियां दिन में 3-4 बार लें खाने के आधे घंटे बाद, और बर्बेरिस एक्वाफोलियम जो कि आपकी स्किन को स्मूथ करने का काम करेगी, इसका मदर टिंचर आप ले सकते हैं दिन में 3-4 बार, 10 बूंद थोड़े ग्लास पानी में। तो इन चीजों को साथ में इंक्लूड करें आपको ऐसे केसेस में, तो आपको बहुत फायदा होगा इन चीजों में। चलिए मैं चलता हूँ, आपको कोई और मुझे टॉपिक सुझाना हो, कोई नया वीडियो बताना हो, अच्छी वीडियो बनाओ तो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक करें, बगल में जो सब्सक्रिप्शन का बटन है उसको जरूर सब्सक्राइब करें और हिट करें बेल आइकन को। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। नमस्ते।